गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिनू और आज हम सीखने वाले हैं मटर का निमोना। मटर का निमोना बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक इंसान चाहिए, वो इंसान कोई भी हो सकता है अपने घर में। मैंने तत्काल अपनी बहन को उठाया है। आप किसी को भी ले सकते हैं जिसको बनाना आता हो। इसके लिए हमें चाहिए मटर, ये कच्चा मटर है और इसको बस हमने पीसा है। और चाहिए टमाटर, आलू जो ऑलरेडी फ्राई होने के लिए रख दिया है, ऑयल अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये है इसका मसाला और ये बताएंगे मसाले में क्या डाला है, बताओ। पहले मैंने धनिया का पत्ता, खड़ा धनिया, मिर्च, आदी और लहसुन का पेस्ट, बस ये इतना कुछ है इसके मसाले में। और अगर ज़्यादा सीखना हो तो आप इससे नहीं सीख सकते क्योंकि इसका ना इंस्टाग्राम ना यूट्यूब चैनल है, तो आप इससे कहीं भी नहीं सीख सकते। वीडियो को देख देख के ही सीख लो कैसे क्या बन रहा है। सबसे पहले इसने कढ़ाई में ऑयल लिया है, आलू लिया है, कढ़ाई में ऑयल लिया है, आलू को फ्राई किया है इसमें। उसके बाद क्या करना है, इसमें मटर को फ्राई करना है। उसके बाद इसमें मटर फ्राई करना है। ऐड कर रहे हैं हम मटर। आप मटर को किसी भी तरीके से पीस सकते हो, हल्का पीसना है, ज़्यादा नहीं। हाँ, हल्का पीसना है इसको। इसको कब तक फ्राई करना है? 5 मिनट। इसको मैक्सिमम 5 मिनट तक फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम अभी हाई है, आप मीडियम कर देना। मीडियम ही फ्लेम अभी मीडियम है। देखो अब ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे, इसको निकालेंगे पहले। मेरे बात से मत रहो गाइस, मैं खुद ही सीख रही हूँ। इसमें वापस से हमने ऐड किया है ऑयल, थोड़ा सा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये पिसा हुआ मसाला। अच्छा, इसमें ना सब कुछ ग्रीन ग्रीन ही जाता है, मतलब लाइक धनिया का पत्ता, मिर्च, सब कुछ है ना। निमोना, आप ध्यान से बनाना निमोना। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप निमोना बना रहे हो या आप नमूना बना रहे हो। बाद में इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, परफेक्शन देख रहे हो, स्वाद अनुसार नमक। हल्दी पाउडर कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बट हम फिर भी थोड़ा बहुत डाल दे रहे हैं। मिर्च जितना आपको चाहिए और बस। सबको थोड़ी देर तक चलाना है और इसमें ऐड कर देंगे टमाटो। इसमें थोड़ा बहुत आप मटर ऐड कर सकते हो। ये टोटली आप पे है कि आपको ऐड करना है या आपको ऐड नहीं करना है। योर लाइफ, योर चॉइस। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलू जो हमने पहले फ्राई कर लिया था, एंड देन मटर फ्राई किया जो फ्राई कर लिया था हमने। अब हम इसमें पानी, अब डायरेक्ट पानी ऐड कर देंगे। हाँ, इसमें हम डायरेक्ट पानी ऐड कर देंगे, जितना चाहिए उतना ही। कितना पानी ऐड करना, बस अंदाज से पानी ऐड करना है कि ग्रेवी बन जाए उसमें। आप देख लो, आपके साथ जो ऐसा कुक हो जिसको खाना बनाना आता हो उसको आप ले आके पूछ सकते हो कि कितना पानी डालना है इसमें। ऑन ए सीरियस नोट, आप इतने से ग्रेवी में अराउंड 2 ग्लास के आसपास पानी डाल सकते हो। इतने से सब्जी में, हाँ इतने से सब्जी में, सॉरी टग मिस्टेक। और इसके बाद इसको कब तक पकाना है? ढक के छोड़ देना है 10 मिनट। अब इसको ढक के आप 10 मिनट के लिए क्यों ही छोड़ दो, बनने दो इसे। आत्मनिर्भर भारत। लास्ट में आप इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। ये आपका होममेड होना चाहिए, जो इसने होममेड बनाया है ये बिल्कुल भी नहीं बताएगी कि इसने क्या क्या डाल के बनाया है इसको, है ना। मसाला, यस। ये फाइनली बन के तैयार है, हमने कर दिया गैस ऑफ। ये बन गया हमारा निमोना। ऐसी नई नई रेसिपी आते रहेगी, अगर मैं यहाँ पे आके इसे बनवाती रही तो। तब तक मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।